टू रैंक योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यानी आप अपनी वीडियोज़ की यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं वीडियोज़ की, उसको कैसी SEO कर सकते हैं और उसको कैसे रैंक कर सकते हैं टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द वीडियोज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज़ एजाज हैदर एंड यू आर वॉचिंग एजाज हैदर टेक्नोलॉजी। नाज़रीन, आज एक ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। आज का टॉपिक है कि हाउ टू, यानी SEO क्या होती है और आप यूट्यूब की SEO कैसे कर सकते हैं। हाउ टू SEO YouTube videos to rank your videos on YouTube, यानी आप अपनी videos की YouTube पे जो upload करते हैं videos की, उसको कैसी SEO कर सकते हैं और उसको कैसे rank कर सकते हैं top of the page, top of the videos। तो चलिए चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ज़रूरत है SEO को समझने की। What is SEO? SEO क्या होती है, किस काम आती है, किस भला का नाम है? SEO ये एब्रिवेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आप गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, तो आपकी वीडियो ऑप्टिमाइज्ड हो। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है कि रैंक हो आपकी वीडियो, यानी SEO की जाती है कि आपकी वीडियोस को कैसे रैंक किया जाए कि आपकी वीडियोस फ्रंट पेज पे आ जाएं या वीडियोस के ऊपर टॉप पर आ जाए। ये सारा तरीकाकार, ये ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे SEO की जाती है। मैं एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, उसकी SEO करके दिखाता हूँ और जो है ना आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि SEO कैसी की जाती है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। मैं अपने YouTube चैनल पर आ गया हूँ एजाज हैदर टेक्नोलॉजी पर। इस पे मैं आपको वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा और उसकी SEO करके दिखाऊंगा कि कैसे SEO की जाती है। तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ से आप राइट साइड पे क्रिएट अपलोड का यानी ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड वीडियो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कीजिए जो आपकी वीडियो है। सबसे बेहतरीन जो इनिशियल स्टेज है वीडियो अपलोड करने की या SEO करने की, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक से वीडियो को आप सेव कीजिए और आपका थंबनेल को भी उसी टॉपिक से सर्च कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कर रहे हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फाइवर, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फाइवर, ठीक है। इसको भी उसी टॉपिक से सेव कीजिए, इसको उसके अपलोड कीजिए। ये अपलोड हो रही है। उसके बाद आप सबसे पहले इसका थंबनेल लगा लीजिए जो आपने थंबनेल बनाया है, क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं और थंबनेल अपलोड करते हैं, जैसे ही था अपलोडिंग होती है तो जो इसका एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो उसको रीड करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आपकी वीडियो को और टॉपिक को रीड कर लेगा और उसकी जो टाइटल है वो जो है ना वो रीड कर लेगा, उसको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आप जाइए टैग अपना थंबनेल पे, थंबनेल पे भी वही जो है ना उसको थंबनेल को वही नाम दीजिए, उसी नाम से सेव कीजिए जिस नाम से आप जो है ना वो टॉपिक अपना वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑन फाइवर, ठीक है। इसी नाम से हमने थंबनेल भी सेव कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइटल पे। टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना और टैग्स लगाना, ये SEO में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस्तेमाल करते हैं और इसी में ही SEO की जाती है। तो हम यहाँ पे टाइटल लगाते हैं। टाइटल में हम दो तीन चीजें यानी लिख देते हैं कि मुख्तलिफ नाम से हम इसको लिख देते हैं कि यानी इसमें दो तीन टैग्स आ जाए ताकि सर्च में हमें आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फाइवर। उसके बाद हम एक और लिख देते हैं फाइवर अर्निंग्स, एक और लिख देते हैं फाइवर से अर्न कैसे करें, या इस तरह लिख देते हैं अर्न कैसे करें। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। आपने टैग्स सर्च करने हैं। SEO करने का जो तरीका कार है उसका ये है कि पहले आपने टैग्स सर्च करने हैं जिससे जिसके आप वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड्स सर्च करने हैं, सॉरी आपने कीवर्ड्स सर्च करने हैं। इसका एक ही कोई टूल नहीं है कीवर्ड सर्च करने का, बस इसी तरीका है कि आपने YouTube से उसे के रिलेटेड जो है ना आपने कीवर्ड सर्च करने हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड सर्च करेंगे अपना रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड लोग सर्च करते हैं YouTube पर वो आ जाएंगे, वो आपने अलहदा राइट कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी लिस्ट आ गई है। अब इस लिस्ट को आपने वर्ड में जो है ना फाइल में पहले इसको राइट कर लेना है। उसके बाद आपने टू मेक मनी फ्रॉम फाइवर के भी हम जो है ना कीवर्ड सर्च करके उसके भी हम स्क्रीनशॉट ले लें या वर्ड में टाइप कर लें। तो उसके बाद हम एक और तरीके का भी हम जो है ना वो सर्च कर लेते हैं, यानी हम उर्दू में सर्च कर लेते हैं कि उर्दू में लोग कैसे सर्च करते हैं फाइवर से पैसे कैसे कमाएं, फाइवर से फाइवर अर्निंग, यानी फाइवर अर्निंग
ओपन एग्जाम सर्च कर लेते हैं कि जो है ना वो कॉपी कर लेने हैं, उसके बाद हम सर्च कर लेते हैं कि फाइवर से पैसे कैसे कमाएं, वो भी सर्च कर लेते हैं। ऐसे 3-4 किस्म के टाइप के जो है ना हम सर्च कर लेते हैं, उनको वर्ड में लिख लेते हैं। लिए मैंने वर्ड में जो है ना, ये मैंने वर्ड में सारे जो है ना वो लिख लिए हैं कीवर्ड, कुछ टॉप के वो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फाइवर और कुछ जो है ना वो कर लिए हैं मैंने हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर और फाइवर अर्निंग्स और फाइवर से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में पहले वो जो ऊपर वाले टाइटल वाले कीवर्ड्स हैं या टैग्स हैं वो हम जो है पहले ना उसको कॉपी कर लेंगे। यानी हम लिखते हैं कि ये एक पैराग्राफ की शक्ल में हम लिखेंगे ताकि पैराग्राफ की शक्ल में वो हम कीवर्ड्स भी शामिल कर लें, टैग्स और हमारी जो है ना डिस्क्रिप्शन भी हो जाए कि अपना पैराग्राफ की शक्ल में। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इन दिस वीडियो वी विल लर्न दैट, वी विल लर्न दैट हाउ टू अर्न मनी फ्राम फाइवर, हाउ टू अर्न मनी फ्राम फाइवर। उसके बाद हम लिख लेते हैं दूसरा फाइवर अर्निंग्स, उसके बाद फिर हम लिख लेते हैं कि फाइवर से पैसे कैसे कमाएं। जो हमने कीवर्ड्स वर्ड फाइल में लिखे हुए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ डालने हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर हम वो सारे टैग्स में डाल देंगे जहाँ पे टैग्स डालते हैं। अब ये सारे वर्ड की फाइल से कॉपी करके कुछ ये भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट, यानी हमने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है तो इस तरह हमने उनको जोड़ना है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स मैं कॉपी करके कुछ जो है ना ऊपर वाले 3 तो पहले हमने दे दिए, तो उसके बाद ये वाले कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसके बाद एंड हम जो है ना वो बाकी वाले कीवर्ड्स भी कुछ उसमें से भी टॉप वाले जो है ना वो करके उसमें डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। इन लास्ट वी विल आल्सो लर्न, तो फिर बाकी वाले जो कीवर्ड्स हैं वो हम उसमें डाल देते हैं, तो हमारी ये डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। जी मैंने डाल दिए, तो ये पैराग्राफ की शक्ल में जो है ना हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई है। उसके बाद फिर हम जाते हैं टैग्स में। टैग्स में हम जो है ना वो सारे कीवर्ड्स जो हैं, यानी पहले वो टाइटल वाले कीवर्ड्स उसको हम टैग्स में डालेंगे, टाइटल वाले कॉपी कर ये हम टैग्स में डालेंगे। जो है ना फाइवर अर्निंग्स का जो कीवर्ड है वो हम टैग में डाल रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो लास्ट वाला जो है फाइवर से पैसे कैसे कमाएं वो वाला भी हम जो है ना उसमें टैग्स में डाल देते हैं। वर्ड की फाइल से जो रिमेनिंग है कीवर्ड्स वो कॉपी करके हम डाल देते हैं उसमें। यानी कुछ तो हमने टाइटल से ले लिए हैं, उसके अलावा बाकी जो है हमने वो कॉपी करके टैग्स में डाल देते हैं। तो ये टैग्स में हमने डाल दिए हैं सारे कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख ली है, टाइटल भी लिख दिया है। उसके बाद हम इसको करेंगे अपलोड। अपलोड तो हो रही है, यानी हो गई है, फिर हम नेक्स्ट करके इसको जो है ना वो यहाँ पे हम जो है ना एंड स्क्रीन लगाएंगे और उसमें कार्ड लगाएंगे। ये भी डिस्क्रिप्शन का जो है ना ज़बरदस्त एक ट्रिक है, तो हम अपने चैनल में से कोई वीडियो जो है ना वो उसमें डाल देते हैं एंड स्क्रीन में, और उसके बाद हम जो है ना एक कार्ड लगा लेते हैं कोई वीडियो, ताकि कोई बंदा हमारे आई बटन पे जब देखेगा तो उस पे ये वाली वीडियोस आ रही होंगी तो वो उनको भी देख सकता है। तो अब हम जो है ना इसको पहले आपने प्राइवेट रखना है, इसको चला के देखना है, सारा चेक करना है, उसके बाद आपने पब्लिक करना है, ताकि हमारी जो है ना वो कोई अगर चेंज करने वाली चीज़ हो तो वो हम चेंज कर सकें उसमें। ये हमारी वीडियो अपलोड हो गई है प्राइवेट, अब हम इसको चला के देखेंगे कि इसकी क्या हमारी SEO हमने ठीक की है या नहीं। अब ये हमारी वीडियो चल रही है, हम इसको चेक करते हैं। आपको इसको चेक करने के लिए ना वो TubeBuddy एक पार्टनर प्रोग्राम है यूट्यूब का, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस पर हम जो है ये देखें, अब इसमें जो है 100% SEO आ रही है, इसके मतलब कि हमने SEO सही की है, स्कोर जो है ना हमारा 100% आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने ये सही जो है ना हमने टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से की हैं, तो इसका स्कोर हमें TubeBuddy दे रहा है 100%। उम्मीद है कि आज का आइडिया मेरा आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो यार दोस्तों रिश्तेदारों से देखकर में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि हम रोज़ मिलते रहें, मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। खुश रहिए, बात रहिए, अल्लाह हाफ़।